एक मेरे भाई बोल रहे हैं कि गांधी पर अनुस्वार लगाइए। लीजिए भाई, गांधी पर अनुस्वार लगा दिया। और कहीं छूटा है? यहाँ भी लीजिए गांधी पर। अब हम हिंदी के मास्टर तो नहीं है, बचपन से अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं, बचपन से अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं, इतने हिंदी लिख देते हैं, यही बहुत है मेरे लिए, है कि नहीं? ये मेरी उपलब्धि है, हम इतना हिंदी लिख देते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार की पृष्ठभूमि क्या है समझिएगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ध्यान दीजिए। इसकी पृष्ठभूमि बड़ी सीधी सरल है कि होता क्या है मेरे दोस्तों, कि रॉलेट एक्ट का भारत में विरोध हो रहा है। भारत में रॉलेट एक्ट का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। और जब भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, जब भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, तो इसी समय जब ये विरोध प्रदर्शन भारत में रॉलेट एक्ट के लिए हो रहे हैं, तो इसमें एक इलाका है जिस इलाके को हम कहते हैं पंजाब। पंजाब में दो बड़े क्रांतिकारी, पंजाब में दो बड़े क्रांतिकारी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये दोनों क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहां विरोध प्रदर्शन हो रहे थे? तो पंजाब में हो रहा था। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इस प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहिर। भगवान अहिर इस नेतृत्व कर रहे थे। अचानक से मामला बिगड़ता है, और जब मामला बिगड़ता है तो वो जब मामला अचानक से मामला बिगड़ता है और जब अचानक से मामला बिगड़ता है तो सब कुछ अजीब सा हो जाता है, और वैसी परिस्थिति के अंदर में सब कुछ अजीब सा हो जाता है। और जब हम एक मेरे भाई ऐसा कमेंट लिखे है ना, सर आप पढ़ाते हैं तो दोपहर रात सबका नींद भाग जाता है। इतना नींद आता है मेरे भाई, आपको ये बताइए मुझे। सुनिए, जब ये दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ये नेतृत्व कर रहा है, तब तक पुलिस लाठी चार्ज करती है, और पुलिस के लाठी चार्ज करने के बाद पुलिस लाठी चार्ज करने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब ये दोनों को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर लोग वापस लौट जाते हैं, और लोग ये तय करते हैं कि इन गिरफ्तार व्यक्ति जो ये गिरफ्तार हैं, इनको छुड़ाना है, इनको क्या करना है, इनको जेल से निकालना है। और जेल से निकालने के लिए ये भीड़ तय करती है, जेल से निकालना है, और इसके लिए भीड़ तय करती है कि हम लोग इकट्ठा होंगे। इनकी गिरफ्तारी होती है किन्हीं किन्हीं किताबों में आप पढ़ेंगे, 9 अप्रैल को, कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे 10 अप्रैल एग्जाम में आएगा तो आप टिक मारेंगे 10 अप्रैल को, ठीक है। जब ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो भीड़ ने बैठक होती है, और उस बैठक में तय होता है, एक बैठक बुलाई जाती है, और उस बैठक में तय होता है कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन क्या है तो उस दिन बैसाखी का त्यौहार है। उस दिन कौन सा पर्व है? बैसाखी का त्यौहार है। उसी बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में, जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा होंगे,
जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे, तो जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन जो होगा, ये लोग तय करते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन अहिंसक होगा, मतलब इसमें आपको कुछ भी लाठी डंडे लेके नहीं आने हैं। और हम अंग्रेजों से निवेदन करेंगे कि भैया आप जो है गिरफ्तार दोनों लोगों को क्या कर दीजिए, गिरफ्तार लोगों को छोड़ दीजिए। और इसी बीच एक कहते हैं ना कि हर बार पीठ में खंजर अपने लोग घोंपते हैं, पीठ में खंजर हर बार अपने लोग घोंपते हैं। ये इन लोगों ने तय किया, अभी मीटिंग खत्म ही हुई थी कि ये बैठक खत्म ही हुई कि 13 अप्रैल को क्या करना है, तब तक किसी ने यह सूचना अंग्रेजों को लीक कर दी, गुप्त सूचना लीक कर दी। आप लोगों का दोस्त हमेशा लीक करता होगा, और जिस व्यक्ति ने गुप्त सूचना लीक की उसका नाम था हंसराज, और हंसराज ने अंग्रेजों को चुगली कर दिया, देखो देखो जो तुम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं उसके विरोध में लोग जो है क्या करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। अब जैसे ही इसने सूचना लीक की, हंसराज ने सूचना लीक की कि अंग्रेजों ने 12 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ अब मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ जस्ट इट इज अ सैन्य कानून होता है, सेना का कानून। धारा 144 समझते हैं कि नहीं? हाँ या ना बताइए, धारा 144 समझते हैं, जहां चार या चार से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, अब भारत के लोगों को तो पता नहीं था कि भैया ये सेना का कानून क्या होता है, ये कौन सा लॉ है। भारत के लोग बुजुर्ग, व्हाट्सएप का तो जमाना था नहीं, लोगों तक खबर नहीं पहुंची। अंग्रेजों ने चोरी छुपे यह कानून लागू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का यही मनसा था। जब अंग्रेजों ने चोरी छुपे यह कानून लागू कर दिया, तो अब देखिए देखते हैं कि भैया ये क्या होता है, जरा समझिएगा। जलियांवाला बाग मैदान है, ये मैदान जो है जलियांवाला बाग मैदान है। इस मैदान में एंट्री गेट और एग्जिट गेट एक ही था, मतलब इसी गेट से अंदर जाना था और इसी गेट से बाहर आना था। कैसे बताया कि एक गेट से ही अंदर गए और इसी से बाहर थे। इसमें ढेर सारे लोग अंदर जो है भरे हुए थे। बैठक बैसाखी का दिन था, अमृतसर जगह था, और इस दिन काफी सारा लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों की तरफ से दो नाम आपको याद रखने हैं, एक नाम था रेजिगल्ड ओडायर, रेनिगल्ड भी बोलते हैं लोग, ये जो व्यक्ति था ये सेना का कमांडर था, मतलब होता है ना सेना का कमांडर, ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हैं माइकल ओडायर। ये जो माइकल ओडायर था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया गोली चलाने का। किस चीज का आदेश दिया? इसी व्यक्ति ने आदेश दिया कि आप सभी लोग गोली चलाने का। एग्जाम में पूछता है गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो माइकल ओडायर। अब हुआ क्या कि ये रेनिगल्ड ओडायर प्लस 150 सैनिक, इन सैनिकों ने इस मैदान को चारों तरफ से घेर लिया। और कैसे होता है ना कि ये बाउंड्री के ऊपर पुलिस वाले चढ़ गए, मान लीजिए आप जो बाउंड्री होता है उस बाउंड्री के ऊपर झड़प के बैठ गए, और जब पुलिस वाले इस बाउंड्री के ऊपर झड़प के बैठ गए तो उन्होंने ऊपर से लोगों के ऊपर एक एक गोली मारना, गोली चलाना शुरू कर दिया, और
इतिहासकार बताते हैं कि ये गोलियां तब तक चलाई गईं जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। मैटर 12 गोली को, गोलियां तब तक चलाई गईं जब तक खत्म नहीं हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, मरे तो ज्यादा ही थे। मारे गए 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये एक दर्दनाक हादसा था। इसी बीच में एक बच्चा था जो जिंदा बच गया, एक बच्चा था जो जिंदा बच गया, जिसका नाम था उद्धम सिंह। और यही बच्चा बाद में आगे चलकर 1940 में लंदन में जाकर, लंदन जाकर माइकल ओडायर की हत्या करेगा। एग्जाम में पूछता है कि किसने माइकल ओडायर की हत्या की, तो उद्धम सिंह ने। कब किया? तो 1940 में लंदन जाकर। और इस प्रकार से जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ तो पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। अब भाई इस तरह से गोलियों से ऊपर चढ़कर भून दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हुए। संपूर्ण भारत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? तो इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड का उपाधि का मतलब क्या होता था कि नाम के आगे सर लगा सकते थे आप, सर रविंद्रनाथ टैगोर, इसका मतलब हुआ नाइट। तीसरा संकरण नायर, एग्जाम का एक बहुत फेमस क्वेश्चन, ना जाने कितने दिनों से पूछा जा रहा। संकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आइए तो एक व्यक्ति हुआ करते थे सीएफ एंड्रयूज। क्या नाम था? सीएफ एंड्रयूज। इसे आप दीन बंधु के नाम से जानते थे। देश बंधु किसे कहा जाता था? दीन बंधु तो इन्हें कहा जाता था, और देश बंधु सीआर दास को कहा जाता था। देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु कहा जाता था सीआर दास। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। ये दीन बंधु है। सीएफ एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बताया था। क्या बताया था? जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। उसी प्रकार से एक व्यक्ति थे जिनको कहते हैं मॉन्टेग्यू। ये कौन थे? भारत के राज्य सचिव।